Welcome again, dear students, uh, and Assalamu Alaikum. Today, our topic is the summary of the poem uh, The Tale of Kastar the Dragon by Ogden Nash. एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पॉइम वी हैव रेड दैकग्राउंड एंड ऑल्सो द टेक्सट ऑफ दिस पॉइम तो आज हम उसकी जो समरी है वो हम देखने की कोशिश करेंगे जो पॉइम है वो हम पढ़ चुके हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं और मैंने अपलोड किया हुआ है तो द पोइम इज़ द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन जो इसका टाइटल ही है दिस इज़ अ टेल अबाउट कस्टार्ड एंड द कस्टाड इज द ड्रैगन तो ये जो कहानी है ये कस्टार्ड के हैं और कस्टाड एक ड्रैगन है ड्रैगन एक मैथोलॉजिकल एक, एक, एक एनिमल है एंड दिस इज अ टेल दिस इज़ द टेल इन वर्स ये एक ऐसी कहानी है जो वर्स में है पॉइ पौई, पोइट्री में है इसको इंग्लिश लिटरेचर में बैलाड़ भी कहा जाता है एंड इट इज़ रिटन बाई द अमेरिकन पॉइट फ्रेडरिक्गिननाश और एक अमेरिकी जो पॉइट है अमेरिकी शायर फेडरिक उग्दिननाश उसी ने ये लिखी है

उन्नीस सौ इकहत्तर को उसकी डेथ है इन दिस पॉइंट द पॉइंट पीपल डाउन बाई अधर्स फार बींगेजी एंड कवाड्स टू टेल एंड क्लेम ऑफ नो ब्रेवरी सम्स टर्न आउट टू ब्रेव एंड कस व ओकेजन डिमांड्स इट असल में जो इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर है जो थीम है वो ये हैं कि वो लोग जो दूसरों को हकारत की निगाह से देखते हैं लुक डाउन अपान उनको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते तो वही लोग जिनको वो लेज़ी कहते हैं कवाड़ कहते हैं तो वही किसी मौके पे ऐसे बहादुर साबित होते हैं ऐसे क्रेजो साबित होते हैं जब वो मौका डिमांड करता है जब दूसरे जो अपने आप को बहदुर कहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते लेकिन जिन लोगों को वो सुस्त कहते हैं कवाड़ कहते हैं वही बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं दे आर लिवज़ ए गर्ल बलिंडा इन लिटल वाइट हाउस पैट्स ये जो कहानी है इसमें एक लड़की के बारे में कहा गया है ये बिल्कुल फिक्शन है कोई रियलिटी पर नहीं है ये शायर का तखिल है उसकी इमेजरी है शायर कहता है कि दियर लिवज़ ए गर्ल बलिडा इन ए लिटिल वाइट हाउस एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी सफ़ेद घर में रहती है और उसने चार पालतू जानवर रखे हैं ए ब्लैक किटन इंक एक जो काला काले रंग का वो बिल्ली का बच्चा इंक ए ग्रीन माउस ब्लिंक एक भूरे रंग का जो चूहा जिसका नाम बिलंक है ए येलो डॉग एक येलो रंग का एक जरद रंग का जो कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड है एंड ए ड्रैगन और उसके पास एक ड्रैगन है जिसका नाम जो उसने रखा है कस्टार्ड ऑल एक्सेप्ट द कस्टॉर्ड दियर ब्रेवरी एंड क्लेम टू बी ब्रेव एंड कॉरेजस इस कस्टार्ड के सिवा सभी जानवर अक्सर बूस्ट करते रहते हैं बड़ा चढ़ा के अपनी बहदुरी के बारे में बात करते हैं एंड क्लेम टू बी ब्रेव और क्लेम करते हैं दावा करते हैं कि वो बड़े बहदुर हैं और कॉरेजस बड़े बाहिमत हैं द कस्टॉर्ड हैज बिग शॉर्व टीथ जो ये कस्टार्ड हैं, जो ये ड्रैगन है इसके बड़े तेज और लंबे दांत हैं देयर और स्केल्स बीनीथ अंडर इट इज़ बॉडी बट द टॉप है स्पाइक्स इसके पूरे जिसम पे वो लकीरें सी बनी हुई हैं वो स्ट्रिप सी बनी हुई है, है लाइन सी बनी हुई है इसके स्किन पे और उसकी बॉडी पे लेकिन उसके ऊपर जिसम के ऊपर का जो साइड होता है उस पर वो स्पाइक्स, वो कील से उभरे हुए हैं तो वैसी चीज़ें हैं हिज़ माउथ इज़ लाइक ए फायर प्लेस उसका जो मुंह है वो बिल्कुल उस आग की बटी की तरह है एंड नोज लाइक द चिमनीज़ और उसकी जो नोज़ है वो नाक है वो बिल्कुल उस चिमनी की तरह है बिल्कुल वो सिया रंग की दो ही अपियर्स टू बी फेरोशियस अगर ये शक्ल से बड़ा खूफनाक लगता है येट ही ऑलवेज प्रेज फॉर ए नाइस सेफ केज लेकिन ये हमेशा डरा रहता है बड़ा वो जैसे बुजदिल हैं जैसे बड़ा डरपोक है और हमेशा चाहता है कि वो सेफ़ केज में रहे बिल्कुल आराम से रहे इसको कोई सताए ना इट इसम कोड इस पॉइंट में जो शायर कहते हैं कि जो बलिडर है वो इस कस्टाड को इतना ज़्यादा वो टिकल करती हैं गुदगुदाती हैं एंड uh, बड़ी बेहमी से बिल्कुल इसको सताती हैं वाइल इंक ब्लिक्ड मेक फानम लेकिन ये जो इंक ब्लिक और मस्टाड है जो ये चोहा है वो बिल्ला है और ये कुत्ता है ये उसको बिल्कुल इसका मजाक उड़ाते हैं इसका मजाक बनाते हैं एंड कॉल हिम कवाड़ उसको बोलते हैं कि आप एक कवाड़ हो आप एक बुजदिलो ही इज़ द अदर गिवन प्रॉपर केयर उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है इन चार जो ये पैट्स हैं इस लड़की के बिलिंडा के और इसको नेगलेक्ट किया जाता है जबकि दूसरों का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है वन डे अ पायरेट ब्रेक्स अपर पिस्टल इन हिज ईच हैंड एंड शार्प लिटल सोर्ड इन हिज माउथ एक दिन इस बिलिंडा के घर में एक पायरेट आ गया एक विलन आ गया कोई डाकू आ गया और उसके दोनों हाथों में दो पिस्टल्स थे तमंचे थे और उसके मुंह में उसने एक वो छुरी या एक खंजर या एक तलवार ऐसे मुंह में रखी थी तो मुँह से पकड़ी हुई थी द पायरेट इज़ हैविंग ए ब्लैक बियर्ड एंड अ फेरोशियस लुक जो ये पायरेट था जो ये विलन था उसकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी और उसकी जो लुक थी जो उसकी शक्ल थी वो बड़ी खौफनाक थी एंड हैज़ नॉट कम विद अ गुड इंटेंशन और उसके आने का इरादा भी बिल्कुल सही नहीं था कोई अच्छा नहीं था इंक ब्लिक एंड मस्टार्ट रेन अवेन फेयर एंड हाइड दम सेल्व जो ये इंक ब्लिक और मस्टार्ट थे चोहा बेला और कुत्ता वो बिल्कुल खूब से डर गए भाग गए और अपने आप को कहीं पर छुपा लिया बट इट इज़ द कस्टार हु फेसिज द पायरेट ब्रेवली एंड कॉरेजली एंड केलेज्म लेकिन ये सिर्फ एक कस्टार था ड्रैगन था जिसने इस डाकू से इस पायरेट से मुकाबला किया बड़ी बहदूरी से बड़ी जानदारी से एंड फाइनली केलज्म और आखिरकार इसको मार भी दिया फाइनिंग हर सेल्फ फ्री फ्राम देंजर बलेंडा एम्ब्रेसिज्मर थ्री बिगिन टू डांस इन जॉय अराउंड हिम जैसे ही बिलिंडा को लगा कि अब वो इस खूफ से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हैं क्योंकि पायरेट को मार दिया गया है तो इसने इसको गले लगाए इस ड्रैगन को और जो दूसरे ये तीन पैट्स थे जिन ये जो पालतू जानवर थे उन्होंने इसके इर्द गिर्द इस ड्रैगन के इर्द गिर्द डांस करना शुरू कर दिया बिलिंडा एम्ब्रेस हिम एट द Then Ink, Blink and Mustard start claiming that they would have proved twice or thrice before if the Custard they weren't confused and were given an opportunity. और इसके बाद जो ये इंक बिल्कुल मस्टाट थे उन्होंने अपनी जैसी उनकी रूटीन थी उन्होंने फिर से क्लेम किया कि वो इस कस्टार से ज़्यादा बहादुर साबित होगी दुगना तिगना इससे ज़्यादा बहादुर साबित होती अगर उनको चांस दिया जाता और अगर वो इस टाइम कंफ्यूज ना होते जब ये जो ये पायरेट था जब ये विलन था इनके घर में आया था वेरी सोन दे स्टार्ट अगेन क्लेमिंग ऑफ दियर ब्रेवरी उन्होंने जल्दी ही अपनी वो बहदुरी के वो किस्से फिर से आ, कहना शुरू कर दिए इन दियर यूजल वे जैसे कि वो अक्सर कहते रहते थे वाइल्ड द कस्टार अगेन प्रेज फॉर अ सेफ केज और जो एक कस्टार्ड थे इसने फिर से चलाना शुरू कर दिया कि मैं मुझे किसी महफूज जगह पर रखो मैं डरता हूँ इट इज़ अ लेसन फॉर अस फ्रॉम द पॉइम दैट इंस्टूट ऑफ बोस्टिंग वन शुड डू समथिंग वर्थ वैल्यूबल लाइक ए हीरोइक एंड इस लेसन का जो थीम है वो ये है कि हमको भी बिल्कुल कोई ऐसी बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए अपनी बढ़ाई बयान नहीं करनी चाहिए एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए डेंगे नहीं मारनी चाहिए वन शुड डू समथिंग वर्थ वैलीबल इसके बारे में हमें कुछ काम की चीज़ कुछ वैल्यूएबल जिसकी कोई कीमत हो जिसका कोई वैल्यू हो ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए लाइक ए हेयर डीड जैसे इसमें इस कस्टार ने ये बहादुरी का काम बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया बड़ा काम अंजाम दिया तो हमको भी वैसे ही कोई बड़ा काम करना चाहिए सिर्फ ऐसे ही डेंगे नहीं मारने चाहिए अपनी जो वो बढ़ाई ऐसे मुहत में बयान नहीं करनी चाहिए सो डियर व्यूअर्स ये थी हमारी पोइम द टेल ऑफ का स्टार द ड्रैगन भाई ओग दिन नाश उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिए चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और व्यू दे ताकि जो और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू